हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम कंपैरिजन करने वाले दो बेस्ट मोबाइल फोन के बारे में, एक है पोको X2 और दूसरा है Realme X2, क्योंकि ये दोनों अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, थोड़े बहुत व्यूज़ मेरे भी आ जाएंगे। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और पास वाला बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मैं जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। गाइज आज हम बात करने वाले दो बेस्ट फ्लैगशिप किलर फोन के बारे में। तो आज इन दोनों ही फोन के बीच आज हम कंपैरिजन करने वाले गाइज, एक है पोको X2, दूसरा Realme X2। अगर हम बात करेंगे प्राइस की तो आपको 1000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलेगा पोको X2 वर्सेज Realme X2। यानी पोको X2 आपको 16000 तक देखने को मिल जाता है और Realme X2 17000 तक। तो गाइज मेरे पास ये मोबाइल तो अवेलेबल नहीं है, तो आपको वीडियो के से ही समझाने वाला हूँ कि कौन सा फ़ोन अच्छा है, और लास्ट में हम प्लस माइनस पॉइंट के बारे में बात कर लेंगे कौन सा फ़ोन किस चीज़ में अच्छा है। तो गाइज मैं सबसे पहले आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पोको X2 को। तो ये आपको मार्केट में 16000 तक देखने को मिल जाता है और इसमें आपको प्रोसेसर भी दमदार देखने को मिलता है। यानी दोनों में सेम प्रोसेसर यानी स्नैपड्रैगन 730G जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है वो वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर बात करते हैं कोर्टेक्स या स्पीड की तो इसमें आपको 2 कोर 2.2 GHz पर देखने को मिलते हैं जिनका कोर्टेक्स 470 गोल्ड है। बाकी के 6 कोर 1.8 GHz पर देखने को मिलेगा जिनका कोर्टेक्स 470 सिल्वर है। अगर बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड यानी GPU की तो GPU इसमें आपको 618 एड्रिनो का देखने को मिल जाता है, जो 616 से ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है इस ग्राफिक्स कार्ड में। तो इसमें गाइस एक माइनस पॉइंट इन दोनों ही मोबाइल फोन में ये देखने को मिलता है, अगर एक पबजी के लिए इस फोन को बाय करते हो तो आपको इसमें पबजी का ग्राफिक्स यानी HDR+ एक्सट्रीम का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस इन दोनों फोन में एक माइनस पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि आपको GFX टूल की मदद लेनी पड़ती है। तो गाइस एक माइनस पॉइंट निकल के आता है। अगर हम बात करें टच की तो टच में को 6.67 इंच का फुल IPS टच देखने को मिलता है जो गोरिल्ला ग्लास 5 को सपोर्ट करता है। और आपको पोको X2 में एक प्लस पॉइंट ये निकल के आता है कि इसमें आपको 120Hz की रिफ्रेश रेट वाला टच देखने को मिल जाता है, जो इस प्राइस में काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें बैटरी की तो इसमें को एक दमदार बैटरी यानी 4500mAh की दमदार बैटरी देखने को मिलती है जो 27V के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जो Realme X2 से 500 ज़्यादा mAh देखने को मिलते हैं। और इसमें आपको चार्जिंग स्पीड Realme X2 से थोड़ी सी कमजोर देखने को मिलती है। अगर हम बात करें वेरिएंट की तो मार्केट में आपको दोनों ही सेम वेरिएंट में अवेलेबल है, यानी 6x128 या 6x64 और 8x128 या 256GB तक आप इन दोनों फ़ोन में परचेस कर सकते हो। अगर हम बात करें कैमरा क्वालिटी की तो बैक में आपको Realme और पोको X2 में सेम क्वाइट कैमरा देखने को मिलता है, जो 64+8+2+2 जो 64 वाला है जो गाइस वो 1.9 aperture के साथ आता है, 8 वाला अल्ट्रा वाइड, 2 वाला डेप्थ सेंसर और 2 वाला माइक्रो सेंसर। अगर हम बात करें फ्रंट कैमरे की तो फ्रंट में आपको पोको X2 में पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो आपको डुअल कैमरा का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो 20+2 megapixel का है, तो आप इससे काफ़ी अच्छे फोटो क्लिक कर पाओगे। इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है जो पावर लॉक ऑन बटन के साथ देखने को मिलता है। अगर आप एक ट्रू पबजी लवर है तो आपको गाइस पोको X2 लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है जो पोको Realme X2 में देखने को नहीं मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसमें आपको डिस्प्ले भी बड़ा देखने को मिलता है, वो 120Hz की रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो आपको गाइस अगर आप पबजी के लिए बाय करते हैं तो पोको X2 को परचेस करना चाहिए। चलिए मत कर लेते Realme X2 के बारे में। तो गाइस मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, जल्दी जल्दी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन सा फ़ोन किस चीज़ में अच्छा है। चलिए बात कर लेते Realme X2 के बारे में जल्दी से। चलिए गाइस हम बात कर लेते हैं Realme X2 के बारे में। तो गाइस आपको मार्केट में 17000 तक देखने को मिल जाता है, यानी 1000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे आपको अगर आप बाय करते हैं Realme X2 को। अगर बात करें प्रोसेसर की तो इसमें आपको दोनों में सेम प्रोसेसर यानी स्नैपड्रैगन 730G जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर वो देखने को मिल जाता है। चलिए गाइस मैं आपको कोर्टेक्स स्पीड वापस बता देता हूँ, तो इसमें आपको 2 कोर 2.2 GHz पर देखने को मिलेगा जिनका कोर्टेक्स 470 गोल्ड है। बाकी के 6 कोर 1.8 GHz पर देखने को मिलेंगे जिनका कोर्टेक्स 470 सिल्वर है। अगर बात करें ग्राफिक्स कार्ड यानी GPU की तो 618 वाला GPU देखने को मिल जाता है, यानी दोनों में आपको सेम GPU देखने को मिलता है। पबजी आपको दोनों में HD+ हाई में ही सपोर्ट देखने को मिलता है, बाकी आपको JFX टूल की मदद लेनी पड़ेगी। अगर हम बात करें टच की तो टच में को 6.4 इंच का फुल सुपर एमोलेड टच देखने को मिलता है। गाइस एक प्लस पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आता है गाइस, आपको यहाँ पे सुपर एमोलेड टच देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छा है। और आपको इसमें डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है, क्योंकि गाइस यहाँ पे सुपर एमोलेड टच देखने को मिलता है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट यहाँ पे डिस्प्ले में देखने को मिलता है। तो गाइस अब पोको X2 में आपको IPS टच देखने को मिलता था, इसमें आपको सपोर्ट नहीं करता था डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, इसलिए इसमें साइड में दिया गया था। अगर बात करें बैटरी बैकअप की तो बैटरी इसमें 4000mAh के देखने को मिल जाती है, जो 30V के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी का कहना है कि आपके फोन को 30 मिनट में 67% चार्ज कर देगा। अगर आप पबजी के लिए बाइक कर रहे हो तो इसमें आपको जल्दी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो अगर आपकी बैटरी जल्दी खत्म होती है और आप लगातार पबजी खेलते हो तो आपको फोन को जल्दी चार्ज कर देगा। अगर बात करें कैमरा क्वालिटी की तो बैक में आपको सेम यानी क्वाइट कैमरा देखने को मिलता है, 64+8+2+2, 64 वाला 1.8 aperture के साथ, 8 वाला अल्ट्रा वाइड, 2 वाला माइक्रो प्लस डेप्थ सेंसर। और फ्रंट की बात करो तो फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नोट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको कैमरा
32 मेगा पिक्सल का देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आपको सेल्फी लेनी अच्छी लगती है तो आप इस मोबाइल को डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, क्योंकि गाइस ये फोटो के मामले में थोड़ा सा आगे निकल के आता है यहाँ पे रियलमी सॉरी पोको एक्स टू से, क्योंकि इसमें आपको 32 मेगा पिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिससे आप काफ़ी अच्छी सेल्फी ले पाओगे। अगर हम बात करें वेरियंट की, तो इसलिए आपको सेम वेरियंट में परचेस कर सकते हो, 6x64 और 8x128 GB तक आप इनको परचेस कर सकते हो। फिंगरप्रिंट सेंसर का इसको आपको टच में ही देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें आपको एमलो टच देखने को मिलता है, तो आपको इसमें डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता था। अगर हम बात करें पोको एक्स टू की, तो इसमें आपको साइड में देखने को मिलता था, क्योंकि इसमें आपको IPS टच देखने को मिलता था, तो इसलिए वहाँ पर आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जबकि इसमें आपको डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। वैसे एक प्लस पॉइंट निकल के आता है, चलिए बात कर लेते हैं इनके प्लस और माइनस पॉइंट के बारे में जल्दी से। चलिए गाइस प्लस माइनस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस प्लस माइनस पॉइंट तो क्या है, दोनों ही फोन अपने अपनी जगह अच्छे हैं, दोनों ही फोन गेमिंग प्लस अच्छे कैमरा के लिए अच्छे हैं। अगर आप गेमिंग के लिए परचेस करना चाहते हैं तो पोको एक्स टू ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक बड़ा टच देखने को मिलेगा, प्लस पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें आप पबजी आराम से खेल पाओगे, प्लस आपको एक अच्छा कैमरा प्लस अच्छा गेमिंग चाहिए तो रियलमी एक्स टू को भी परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको वाटर ड्रॉप प्लस छोटा डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो दोनों फोन अच्छे हैं गेमिंग के हिसाब से, लेकिन अगर आप एक अच्छे गेमिंग चाहते हैं तो आप पोको एक्स टू ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको लिक्विड कूलिंग का सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। रियलमी एक्स टू में आपको अच्छा कैमरा प्लस गेमिंग भी अच्छा देखने को मिल जाएगा, पर मेरे हिसाब से पोको एक्स टू लेना होगा अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं। मेरे सब दोनों क्या ही बोलूंगा इन दोनों फ़ोन के बारे में, मेरे को दोनों फ़ोन बहुत ही अच्छे लगे अपनी अपनी जगह पे। आप इन दोनों फ़ोन को परचेस कर सकते हो अगर आपके बजट है 30-40 हज़ार, तो बाकी दोनों फ़ोन अच्छे हैं। यहाँ पे प्रोसेसर की बात करूँ तो दोनों में सेम प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो कैमरे में थोड़ा सा आगे निकल के आता है रियलमी एक्स टू, और पोको एक्स टू भी कम नहीं है। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग लेने जा रहे हो, पोको एक्स टू में अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग 4K में आपको सपोर्ट देखने को मिल जाती है, और रियलमी एक्स टू में और फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। और टच की बात करो तो टच में आपको सुपर एमोलेड टच रियलमी एक्स टू में देखने को मिलता है। यहाँ पे ये एक अच्छा पॉइंट लगा मेरे को, और पोको एक्स टू में आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाला टच देखने को मिलता है, ये भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो गाइस यहाँ पे किसी की भी जीत नहीं होती, तो दोनों फ़ोन अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं, आप दोनों फ़ोन में से किसी एक फ़ोन को परचेस कर सकते हो। चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।